हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट्स गुरुजी। आज हम डिस्कस करेंगे अपोलो माइक्रोसिस्टम्स कंपनी के बारे में। ये कंपनी डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करता है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स। इनका जो बेसिकली जो बिजनेस है, ये सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस डिफेंस के लिए, स्पेस एंड होमलैंड सिक्योरिटी। यानी इनका जो मेन जो कस्टमर है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनियाँ और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये हैदराबाद में है और ये ISO सर्टिफाइड प्लांट है। और कंपनी ने बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेशन किए हैं वेरियस प्रोग्राम्स, जैसे इंडिजिनस मिसाइल प्रोग्राम, अंडर वाटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रोग्राम। ये सारे प्रोग्राम में कंपनी ने पार्टिसिपेट किया है। उसका मतलब ये है कि कंपनी ने अपने जो प्रोडक्ट है ये सप्लाई किया है ये सारे प्रोग्राम्स के लिए। और कंपनी का जो प्रोडक्ट है ये हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे ऑनबोर्ड सिस्टम्स और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स। ये दोनों कैटेगरी के लिए कंपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और ये कंपनी ने टिल डेट मोर देन 100 ऑनबोर्ड सिस्टम्स, मोर देन 50 टाइप्स ऑफ ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स और मोर देन 100 ऐसे डिजाइन किए हैं डिफेंस और नॉन डिफेंस मार्केट के लिए। और ये कंपनी का जो ऑर्डर बुक है 31 अगस्त 2017 तक अगर हम देखेंगे ऑर्डर बुक, तो इनका अराउंड 80 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और आप देखते हैं कंपनी कौन कौन से वर्टिकल्स के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जैसे डिफेंस एवियोनिक सिस्टम्स, डिफेंस एरोस्पेस सिस्टम्स, डिफेंस नेवल सिस्टम्स, सैटेलाइट स्पेस सिस्टम्स, होमलैंड सिक्योरिटी एंड टेलीमेटिक्स। और ये कुछ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए। अब हम देखते हैं कंपनी के लिए पॉजिटिव्स क्या है। पिछले 20 सालों में कंपनी ने अपना जो ब्रांड नेम बनाया है, ये बिजनेस है, ये रेप्यूटेड नाम है, ये कंपनी एक रेप्यूटेड कंपनी है ये बिजनेस में, यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। और ये कंपनी का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है वेरियस टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स बनाने के लिए। और ये कंपनी एक वेल पोजिशन कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स है ये सप्लाई करने के लिए इंडियन डिफेंस सेक्टर को। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बहुत सारे इंसेंटिव्स निकाले थे, जैसे कुछ प्रोजेक्ट है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारे प्रोजेक्ट में क्या है, ये जो कंपनियां हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चर करने वाले जो कंपनियां हैं, इनसे जो प्रोक्योरमेंट का जो परसेंटेज है इंक्रीज किया है। उसके अलावा कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन का भी प्लान है, क्योंकि इनका जो मेन फोकस अभी वो डिफेंस सेक्टर पे है, लेकिन कंपनी आने वाले सालों में जो नॉन डिफेंस सेक्टर को भी कैटर करने वाले हैं, जैसे ये कुछ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस ये स्टार्ट करने बनाने वाले हैं रेलवेज, होमलैंड सिक्योरिटी के लिए। और ये कंपनी के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2016, जिसे हम कहते हैं DPP 2016, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक न्यू कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया है। ये एक इंडियन कैटेगरी है, इंडियन कंपनियों के लिए एक कैटेगरी बनाया है, जिसमें जो प्रोक्योर होने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है ये इंक्रीज किया है 30% था पहले, अब उसे कर दिया अराउंड 40%। यानी जो डिफेंस जो कंपनियां हैं, जो इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन ऐसे कंपनियों से अराउंड 40% प्रोडक्ट प्रोक्योर करेंगे, जो पहले अराउंड 30% था। यानी ये सारी कंपनियों को फायदा होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडियन जो कंपनियां हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस के लिए जो बनाते हैं सामान, ये सारे कंपनियों को बहुत बड़ा पॉजिटिव है ये रूल के वजह से। और अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। FY13 में कंपनी का जो रेवेन्यू अराउंड 37.45 करोड़, FY14 में 72.88, FY15 में अराउंड 108 करोड़, FY16 में 159 करोड़, FY17 में 211 करोड़, और अप टू 30th सितंबर अराउंड 109 करोड़। और ये कंपनी का नेट प्रॉफिट अराउंड 2.95 करोड़ था FY13 में, और FY17 में अराउंड 18.57 करोड़। यानी अगर हम देखेंगे रेवेन्यू नेट प्रॉफिट वाइज बहुत बढ़िया ग्रोथ किया है कंपनी ने पिछले 3-4 सालों में। और इनका जो EPS बैठता है FY17 के सबसे अराउंड 13.54, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अराउंड 29.3 और NAV अराउंड 46.22 का है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।